जैसा कि पार्ट वन में हम देख पाए, छा के मरने के बाद भी गेम में जिंदा होकर वो जीनों पर हमला कर घायल कर देता है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट वन देख लो, तभी आगे की कहानी समझ आएगी। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जीनो अब हॉस्पिटल में एडमिट है और हीजो उसका ख्याल रख रही है। जीनो पिछली रात के बारे में सोच के परेशान ही होता है कि तभी फिर से वही बिजली कड़कने के साथ म्यूजिक प्ले होने लगता है। हीजो के दरवाजा खोलने पर छा उसी के ठीक पीछे खड़ा होता है। जीनो चिल्लाकर हीजो को दरवाजा बंद कर वहाँ से जाने को कहता है और इसी के साथ बैटल कैंसिलेशन टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो टाइमर खत्म होने वाला था तभी कोई दरवाजा खोल देता है, जिसे छा जीनो पर फिर हमला कर देता है। जीनो को फिर से हकीकत में दर्द होने लगता है, लेकिन छा के फिर से हमला करने से पहले हीजो छा के सामने आ जाती है, जिससे बैटल वहीं कैंसिल हो जाता है। ये सब जीनो हीजो को बताता है, पर उसे कहां ही कुछ समझ आने वाला था। और फिर जीनो हीजो के साथ गेम स्टोर में वेपन खरीदता है ताकि वो छा से बच सके। अब कहानी चलती है सीधे एक साल बाद। तो अब हम देख सकते हैं कि इस गेम का बीटा वर्जन कोरिया में लॉन्च हो चुका है और लोग इसे अब आम सड़कों पर खेल रहे हैं। हालांकि इसमें ग्रेनेडा जैसे गेम की तरह कोई बग नहीं है और हम देख सकते हैं जीनो रात रात भर जगकर गेम खेलकर लेवल 84 पर आ चुका है, जिससे अब उसके पास गन भी है। और जीनो एक साल बाद अपनी कंपनी में कदम रखता है और अपने पार्टनर को बताता है कि छा ने उसका अमेरिका में भी पीछा नहीं छोड़ा था और छा को बार बार मार कर उसने अपना लेवल बढ़ाया है। तभी छा फिर से अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर जीनो कोई रिएक्ट नहीं करता। लेकिन तभी पीछे से जीनो का सेक्रेटरी आके छा को मार देता है। इससे हम व्यूवर्स समझ पाते हैं कि जीनो का सेक्रेटरी ना ही सिर्फ छा को देख सकता है बल्कि अब उसे मार भी सकता है। ये सब समझाने के लिए फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, गेम को समझने के लिए और लेवल अप करने के लिए जीनो ये गेम खेलता रहता था। उसका वेट करते करते जीनो का सेक्रेटरी बोर होने लगता है और गेम खेलने लगता है। उसका गेमिंग नेम हंटर होता है और इसी के साथ हंटर जीनो का अलाइंस बन जाता है, जिससे अब वो भी छा को देख पा रहा था। हंटर को इन सबसे दूर रखने के लिए जीनो अलाइंस तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये पॉसिबल नहीं होता। तो दूसरी तरफ हीजो अब अपनी फैमिली के साथ कोरिया में शिफ्ट हो चुकी है, जहां उसने एमा के नाम से गिटार वर्कशॉप खोली है। और हाँ, हीजो का भाई सेजो अभी तक घर नहीं आया है। जीनो हीजो से इतने टाइम बाद पहली बार मिलने आता है, जिस पर हीजो पूछती है कि क्या वो तुम थे जो उसके भाई के नाम पर ईमेल करते हो। दरअसल पिछले एक साल से जीनो हीजो को उसके भाई की मेल आईडी से मेल करता था ताकि वो लोग परेशान ना हो। हीजो को समझ नहीं आता कि उसका हॉस्पिटल अभी भी वैसे का वैसा ही है, तो जीनो ने उस हॉस्टल को खरीदा क्यों? जिसे जीनो उसे कहता है कि वो सेजो को ढूंढ रहा है और वादा करता है कि वो उसे ढूंढ के ही रहेगा। वहीं आगे बढ़ने पर सेजो के बारे में पता करने पर पता चलता है कि उसका एक मार्को नाम का ऑनलाइन दोस्त था। मार्को हैकर, स्कूल से ड्रॉप आउट और ड्रग्स लेता था। मार्को ही गेम छा के पास बेचने के लिए ले गया था और झूठ कहा था कि वो इस गेम का सोलो ओनर है। लेकिन इसके बाद सीधे मार्को की लाश मिली थी, जिसमें अगेन कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई थी। इसी के साथ जीनो को अब याद आने लगता है कि सेजो भी किसी से डर के भागा था। शायद उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ है जो उसके साथ हो रहा है। तो अब गेम चार्ट के मुताबिक लेवल 94 पर सेजो है, 92 पर मार्को और इसी के साथ जीनो भी अब लेवल 90 पर आ जाता है। इसके बाद जीनो को सेजो की तरफ से गेम में एक मैसेज मिलता है। इसमें एक चेस्ट होता है जिसे केवल ग्रेनेडा में ही 48 आवर्स के अंदर खोला जा सकता है, जिसे देखकर जीनो और हंटर तुरंत ग्रेनेडा के लिए निकल जाते हैं। पर तभी ग्रेनेडा पहुंचने पर उन दोनों पर हमला हो जाता है। उन अटैकर से बचते हुए चेस्ट खोलने पर अल्हाम्ब्रा पैलेस का रेस्क्यू मैप होता है, लेकिन अब हंटर गायब हो चुका होता है। तो जीनो पायरेट्स को बोलकर हंटर को ढूंढकर पैलेस भेजने को बोलता है। इसके बाद जीनो पैलेस में चला जाता है, लेकिन वहाँ एक स्वॉट के साथ ही एंट्री हो सकती है, जिससे जीनो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले हंटर अपीयर हो जाता है, लेकिन उसे देखते ही जीनो समझ जाता है कि वो मर चुका है, जिसे देख के वो टूट जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था, आस्ट में हंटर की मौत वही स्टेशन पर हमले में हो चुकी थी। उसकी लाश वही ट्रैक्स पे मिलती है, जिसकी खबर हीजो को मिलती है और वो घबराहट में गार्ड्स को पैलेस भेजती है। उनके आने की वजह से चेस्ट भी खत्म हो जाता है, लेकिन जीनो मरते मरते बच जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हंटर को कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई थी और रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज दिखता है। हंटर की मौत के बारे में सुनकर छा के पिता, जो कि जीनो की कंपनी के चेयरमैन भी थे, सारे सर्वर बंद करवा कर जीनो को सीईओ की पोस्ट से डिस्मिस भी करवा देते हैं। इसके बाद जीनो अब हीजो के साथ ही रहने लगता है। जीनो को अब सेजो को वापस लाने के लिए सर्वर खुलवाना था। असल में वो अल्हाम्ब्रा पैलेस के खाली हाथ नहीं आया था, बल्कि उसे वहाँ एक की मिली थी, लेकिन केवल लेवल 100 होने पर ही वो इस की का इस्तेमाल कर सकता था।
तो सर्वर खुलवाने के लिए वो चेयरमैन को कन्फ्रंट करता है कि उसने उसके बेटे को गेम में मारा था, जिस पर ऑब्वियसली चेयरमैन यकीन नहीं करते। तो जीनू खुद पर यकीन दिलवाने के लिए चेयरमैन को सर्वर ऑन करने को कहता है और गेम में एंटर करवा कर अपना अलायंस बनाता है, जिस पर अब चेयरमैन भी छा को देख पा रहे थे। लेकिन छा उन पर भी हमला करने वाला होता है कि जीनू आगे उन्हें बचा लेता है और तुरंत अपनी आईडी डिलीट कर हमेशा के लिए यहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद चेयरमैन फाइनली सर्वर शुरू करवा कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब स्टोरी में हमें एमा के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं। उससे बात करके प्लेयर्स अपने आप को हील तो कर ही सकते हैं, बल्कि एमा गेम्स को रोक भी सकती है। इसके साथ फाइनली हमें ये भी पता चलता है कि ये सारा एरर एमा की वजह से शुरू हुआ था। फ्लैशबैक में मार्को और सेजो आपस में गेम के प्रॉफिट को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे। अब मार्को गुस्से में सेजो को मारता है, जिससे एमा देख लेती है और सेजो को बचाने के लिए एक ग्लिच क्रिएट करती है। लेकिन ग्लिच के कारण वो गोली असल में मार्को को लग जाती है और वो मर जाता है, जिसके बाद सेजो को छा की तरह मार्को दिखने लगता है। पर चूंकि मार्को का लेवल हाई था और उसके पास गन भी थी, जिससे उससे बचकर भागना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब सब क्लियर हो जाता है, वो मार्को ही था जिसने ट्रेन में सेजो पर गोली चलाई थी और इसी के बाद सेजो गायब है। प्रिजन में असली एमा यानी सेजो गेमिंग एमा से मिलती है। उसके हाथ का ब्रेसलेट देख वो जीनो को बताती है कि ये फातिमा का ब्रेसलेट है। कनाडा में ये कहावत है कि जब फातिमा के हाथ में हेवन की चाबी आएगी तो एक गेट खुलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिससे सेजो अब समझ जाता है कि 100 लेवल पार करने के बाद उसे फातिमा के हाथों यानी एमा को ये चाबी देनी है। इसके बाद लेवल बढ़ाने के लिए जीनो रात भर गेम खेलता है, जिससे उसे गोली भी लग जाती है, पर लकीली हंटर फिर से आके उसे बचा लेता है। इसके बाद अपने प्रोग्रामर को कॉल करके एमा की पोजीशन चर्च में शिफ्ट करवा देता है और फाइनली उसे की दे देता है। लेकिन एमा उस की से जीनो को ही मार देती है। दर्द के कारण जीनो उस की को अपनी छाती से बाहर निकाल कर लॉग आउट कर देता है और सीधे चेयरमैन के पास जाता है। लेकिन फिर से छा के अपेयर होने की वजह से चेयरमैन की मौत उसके बेटे के हाथों हो जाती है, जिससे दुखी हो जीनो फिर से एमा के पास जाता है और अब की बार एक एक करके वो गेम के बग्स यानी कि छा, हंटर और चेयरमैन को डिलीट कर एमा को की दे देता है। और अब की बार एमा जीनो को स्टैप कर उसे भी डिलीट कर गेम रीसेट कर देती है, जिससे फाइनली सेजो तो वापस आ जाता है लेकिन जीनो अब गायब हो जाता है। तो स्टोरी अब फिर से एक साल बाद शिफ्ट हो जाती है। ये गेम अब ऑफिशियली अलग अलग कंट्रीज में बिना किसी बग के साथ लॉन्च हो चुका है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। वहीं सेजो भी एज अ सीईओ चीनो की कंपनी ज्वाइन कर लेता है। हीजो चीनो के जाने की वजह से बहुत ही दुखी थी, जिस पर सेजो कहता है कि चीनो इनलैंड डेंग्योन में हो सकता है। वो जगह सेजो ने गेम के मास्टर के लिए डिफरेंट डायमेंशन में बनाई थी, जिसे गेम का मास्टर खतरे के टाइम बना सकता है और वो जगह न सिर्फ एनिमी के लिए हिडन रहेगी बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए भी। ये वही जगह है जहाँ पर सेजो एक साल तक था। चूंकि अब जीनो का लेवल सबसे हाईएस्ट था तो वो मास्टर बन चुका था, तो हो सकता है उसने भी वो हिडन प्लेस क्रिएट किया हो। इसी के साथ लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीनो एनिमी से लड़ रहा है और इसी के साथ स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। अब मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे कि क्या जीनो जिंदा है या वो भी एक बग बन चुका है। तो इससे मुझे पर्सनली लगता है चूंकि जीनो अब मास्टर था और उसके पास पावर थी सेजो की तरह कि वो भी एक हिडन प्लेस क्रिएट कर सकता है, तो हो सकता है कि वो भी जिंदा हो। लेकिन दूसरी तरफ एमा ने इसे खुद डिलीट किया था। आखिर राइटर्स ने इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया? क्या वो व्यूवर्स की इमेजिनेशन पर एंडिंग छोड़ना चाहते थे? और एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर एमा ने ये ग्लिच क्रिएट कैसे किया? क्या वो सेजो को अपना भाई समझ रही थी, या सेजो ने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की थी कि अगर कोई इस पे खतरा हो तो एमा उस पर एक्शन ले? बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना।